पहला काम, किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन बनाने से पहले क्या ध्यान देना है, ये कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है। दो बात, टेंस सेंटेंस, ध्यान से सुनना मेरी बात को। टेंस यानी कितने होते हैं टेंस, तीन, और उन तीनों के कितने टेंस, चार, चार तीनों के होते हैं ना। टेंस में जैसे सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में बताओ, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इतने टेंस होते हैं। ये जो 12 टेंस हैं, इन 12 टेंस की अलग अलग पहचान होती है। इसलिए जब भी हम कोई वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, टेंस को पहचानेंगे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान लिखवाई है ना, क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हिंदी क्रियाओं के साथ ता है, ती है, ते हैं इत्यादि, जिनसे कार्य का अनिश्चित होना पाया जाए वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ऐसा बताया। तो इसका मतलब यहां देखो, पढ़ाता है, तो ये क्लियर हो गया ना कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, ये तो क्लियर हो गया, यानी टेंस क्लियर। पहला काम क्या करना था, टेंस, टेंस क्लियर हो गया। दूसरा काम करना है सेंटेंस। सेंटेंस कौन कौन से बनते हैं, अभी कल बताया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तीन सेंटेंस में हमारा वाक्य बनता है टेंस का। टेंस का जो वाक्य है वो तीन, कौन कौन, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी दो तरह का, एक क्या से शुरू होता है जिसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और एक होता है प्रश्न सूचक शब्द वाला वाक्य। ये बात क्लियर है। तो अब इसमें ये बताओ कि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे पता चला, ये देखो कौन आया है, कौन क्या है, क्वेश्चन वर्ड, कल लिखवाया था क्वेश्चन वर्ड ना, यानी ये कौन क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड आ गया तो कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और कौन वाले वाक्यों का एक नियम भी होता है, बताओ क्या होता है, हु वाले वाक्यों में नियम है, हु प्लस वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर्स, प्लस क्वेश्चन मार्क, ये फार्मूला लिखवाया गया है आपको। तो हु वाले वाक्यों में सबसे पहले हमको हु को लिखना है। फिर हु क्या होता है कि ये एक वचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है। जैसे यहाँ कौन पढ़ाता है तो कोई एक आदमी है, और ये हो जाता कि कौन लोग शोर मचाते हैं तो ढेर सारे लड़कों के लिए हो जाता, तो वहां भी हु अंग्रेजी उसकी हु ही होगी, लेकिन वो बहुवचन में हो जाएगी। तो अब ये हु किसके लिए आया है, किसी एक आदमी के लिए, इसका मतलब ये एक वचन में है। तो पहले हमको लिखना ही इसी को है, यानी यहां लिखेंगे हु, हो गया काम। जब तक ये रूल नहीं पता रहेगा आप गलत कर जाएंगे, इसलिए पहले रूल को ही हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, जितने नियम लिखवाए गए हैं सब याद करने पड़ेंगे। तो हु हो गया, उसके बाद आपको लिखना है वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस आई एस। तो वर्ब फर्स्ट कब लिखते हैं, जब ये बहुवचन में होता है, और वर्ब में एस आई एस कब लगाते हैं, जब ये एक वचन। तो हु एक वचन में है, इसका मतलब इसमें क्या लगाएंगे, अब इसमें वर्ब है कौन, जिसमें वो पहचान जुड़ी रहती है, इसीलिए हम लिखवाए हैं हिंदी क्रियाओं के साथ ता है, ती है, यानी ये हिंदी का क्रिया है जिसके साथ वो पहचान जुड़ी होती है। बात समझ में आएगी नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पढ़ाना, पढ़ाना का है माने टीच, टीच माने पढ़ाना, यानी हो जाएगा टी ई ए सी एच। अब इसमें ई एस जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, तो हु टीचेस, ठीक है, क्या पढ़ाता है, मैथ्स,
क्या मैथ्स लिखिए चाहे मैथ्स मैथमेटिक्स लिखिए, हु टीचेस मैथ्स किसको, इन लड़कियों को, तो को के लिए टू और इन की अंग्रेजी क्या होती है, इन, इन की अंग्रेजी होती है दीज, ऐसे समझो, इस उस इन और उन, ध्यान दो इसको, ये हमने चार वर्ड दिया, आप नोट भी कर सकते हैं, इस, इसकी अंग्रेजी दिस, दिस माने यह और दिस माने इस, नहीं दिस माने यह और दिस माने इस, और दैट माने वह और दैट माने उस, और दीज का मतलब होता है इन, या दीज माने ए, ये होता है ना, दीज माने ए, दोज माने वे, और दीज माने इन और दोज माने उन, यानी अब ऐसे रखो कि दिस, इसका मतलब यह भी होता है और इस भी होता है, और दैट यानी वह और उस भी होता है, और दीज का मतलब इन और दीज का मतलब ये भी होता है, और दोज, दोज का मतलब वे या दोज का मतलब उन भी होता है। अब ये दोनों तरफ देखो तो समझ में आएगा, पसंद आई नहीं है, तो अब इसके लिए हमारे पास वर्ड है, चूंकि आप दिस माने यह केवल जानते हैं, इसीलिए अब दिस को लगाने में, इसके लिए अब इसकी अंग्रेजी अलग से क्या है, तो अब आप जानिए कि दिस माने इस भी होता है, दैट यानी उस होता है, दिस यानी इन और दोज यानी उन होता है, तो यहां किसकी बात हो रही, इन लड़कियों की, तो टू दीज गर्ल्स, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है।